आज का गर्मी कुछ ज़्यादा ही था गाइस, क्या बोलूँ। मार्च का महीना चल रहा है और अभी से 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पर तेजपुर पर। और मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इसलिए अपना फार्म जो मेरा पेडी फील नहीं, मेरा जो वेजिटेबल फार्म है उसको थोड़ा विजिट किया। और सबसे पहले देखा कि मेरा फ्रंट बीन्स काफ़ी बड़ा हो चुका है, देख के थोड़ा मन को संतुष्टि मिला। मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 वीक्स हुए, फिर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी 2 वीक्स भी नहीं, मे बी लाइक 10 डेज हो रहा है ये, और काफ़ी बड़ा हो चुका है। और लगता है और 10 दिन जैसे के बाद तो फल भी देने लग जाएगा। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा लॉन्ग बीन्स जिसे हम लोग गांगोदी कहते हैं वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। आप लोग को दिखा देख सकते हैं, यहाँ में देखिए, ये है लॉन्ग बीन्स जिसे हम लोग असम में बोदी कहते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये भी। और 1 वीक या 2 वीक के बाद ये भी फल देने लग जाएगा, काफ़ी बड़ा हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगा देख के, क्योंकि अपना मेहनत का किया हुआ काम है। तो पहली बार मैंने फार्मिंग कोशिश किया, वेजिटेबल फार्मिंग, तो यह में काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो बिटर ग्रोड है, यह है तीता करेला, जिसे असमिस में हम लोग तीता करेला कहते हैं और हिंदी में हम लोग करेला कहते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये भी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये बड़ा होने में थोड़ा टाइम लेता है। और उसके बाद मैंने देखा कि ये मेरा कुकुम्बर भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी बहुत सारा कल्टीवेशन स्टिल करना है। तो गाइस इतना ही आज का वीडियो में, और क्या ही बोलूँ गाइस। तो गर्मी था थोड़ा, अपने कल्टीवेशन को देख के लेकिन मन को संतुष्टि मिला, ठंडक मिला, और मैंने दूसरा जुगाड़ लगा लिया, मैं कल्टीवेशन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करिए मेरा चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।